सूक्ष्म मृदुविज्ञान चैनल के सभी सुधी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन के साथ आज इस वीडियो में मैं उपस्थित हूं। वीडियो तो मैंने बहुत सारे बनाए और जैसा कि आपके चैनल का नाम है सूक्ष्म मृदुविज्ञान, वीडियो भी मैंने बनाए। कभी मैंने योग की बात की तो कभी मैंने आपसे मंत्रों की बात की, यंत्रों की बात की, कभी मैंने आपसे रसायन विज्ञान की बात की, कभी आपके साथ मैंने बात की आयुर्वेद की, कभी धर्म से संबंधित बात की और आज भी मैं आपसे धर्म से संबंधित एक बात करने जा रहा हूं कि ये भारतवर्ष है और भारतवर्ष तो वैसे भी ऋषियों मुनियों का देश रहा है, धार्मिक लोगों का देश रहा है और भारत की जो आत्मा है वह आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमेशा ही सदैव सारे विश्व में सर्वोपरि रही है। विदेशियों द्वारा फंडिंग करके हमारे धर्म को, हमारे ऋषितुल्य संतों को बराबर बदनाम करने की और उनको किसी न किसी प्रकार से प्रताड़ित करवाने की जो योजना है वो कई मामलों में सफल रही है और हम लोग भोले भाले लोग, हमारे देश की जनता समझ नहीं पाती है। ये तो सर्वविदित बात है पूरे विश्व में, ये बात सिद्ध हो चुकी है कि भारत का सनातन धर्म पूरे विश्व में सबसे पुराना प्राचीन धर्म है और बहुत ही आश्चर्य की बात है, सबसे पुराना धर्म होने के बाद भी ये सबसे सर्वोत्कृष्ट धर्म भी है। पूरे विश्व में आज तक ऐसा कोई धर्म नहीं है, हालांकि विश्व में अभी तक सनातन के अलावा कोई धर्म ही नहीं है। जिन्हें आप लोग धर्म कहते हैं वो मात्र एक संप्रदाय है, वो धर्म की श्रेणी में आते ही नहीं। तथापि ये कलयुग है, कलयुग में नाना प्रकार के पंथ, नाना प्रकार के संप्रदाय चालू हुए और उन्होंने अपने आप को धर्म घोषित किया, हालांकि उनमें धर्म जैसी बात नहीं थी। बावजूद इसके कि सनातन धर्म सर्वोत्कृष्ट है, पर सनातन धर्मियों की एक बात है जो कि मुझे समझ में नहीं आती कि वह अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करते, कोई संगठन नहीं बनाते। चूंकि आध्यात्मिक धर्म है और यह है आत्मा को प्रेरित करके चलने वाला धर्म है, इसलिए ज्यादातर लोग आत्मा के यानी कि स्वयं के भीतर ही ईश्वर को तलाशते रहते हैं। जिन्हें सिद्धियां प्राप्त हो भी जाती हैं वो भी ज्यादा जल्दी लोगों को बताते नहीं हैं और इस प्रकार से आज ये धर्म विश्व में आपको पता है किस नंबर पर आ चुका है। लगभग 8 अरब जनता पूरे विश्व की है, जिसमें से 1 अरब से कुछ ही ज्यादा ये
सनातन धर्म बचा है। और ये सनातन धर्म भी कई जातियों में विभक्त होने के कारण इसकी दुर्दशा हुई है। सनातन धर्मियों की लड़ाई बाहर नहीं होती, सनातन धर्मियों की लड़ाई अपने सनातन के भीतर ही होने के कारण आपस में ही लड़ते खपते रहते हैं। कोई कहता है मैं ऊंचा हूं, तो कोई कहता है मैं ऊंचा हूं। ये ऊंच और नीच की वजह से अब बहुत कुछ उसके डीप में आपको जाके बताएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि गुटबंदी और जातियों की ऊंचाई और नीचाई वाली बात होने के कारण हिंदू समाज, सनातन समाज कभी एक नहीं हो सका, और इसीलिए यह सनातन संप्रदाय मात्र भारत में ही, आज सनातन धर्म भारत में ही रह गया है। बाहर भी कहीं कहीं है तो उसको इतना नहीं कहा जा सकता। एक मात्र देश भारत है, और भारत भी सनातन भारत नहीं है, उसको धर्मनिरपेक्ष भारत कहा जाता है। ये सबसे बड़ी बुरी बात है। संविधान में कहीं धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। हमारे देश के जो शासक वर्ग ने अपने निहित स्वार्थ के कारण धर्मनिरपेक्ष शब्द उसमें बाद में जोड़ करके उसको संविधान का अंग बना दिया, और फिर शुरू ही सनातन धर्मियों की प्रताड़ना जो कि आज तक जारी है। बहुसंख्यक सनातन धर्मी होने के बावजूद सनातन धर्मियों को हर जगह प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। उनके साथ क्या क्या नहीं होता ये सब आप लोग जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो आप जाने। कभी आप पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को सुने, अश्विनी उपाध्याय को सुने, थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल को सुने, सत्य सनातन को सुने, है ना, एडवोकेट रिजवान अहमद को सुने, सुबोई खान को सुने, आपको पता चल जाएगा। और मैं बताना चाहता हूँ कि संत महात्मा तो लाखों हैं, और लाखों संत पूज्य हैं। उनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जो कि मैं आज लेना चाहता हूँ, इनको आप सुने। देखिए, जो कथाएं हैं, जो हमारे धर्म की कथा है, वो चाहे पौराणिक कथाएं हों, महाभारत की कथा हो, श्री रामायण की कथा हो, आप सुने। अभी चार दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें किसी प्रसंग को लेकर के एक व्यक्ति ने कटाक्ष किया कि रामायण में ये लिखा है। तो एक संत जैसा दिखने वाला व्यक्ति वो कहता है, नहीं, रामचरितमानस जो है वो नकली है, और वाल्मीकि रामायण असली है। इतना मूर्ख व्यक्ति वो था, वो अपने आप को संत कह ले या जो भी कह ले। जो हमारी श्रीमद् रामचरितमानस है, इसको नकली कहने का दुस्साहस उसने किया। तो ऐसे कटु वचनों से आप सभी को किनारा कर लेना है, और ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना है। और जैसे श्रीमद् भागवत की कथा आपको सुननी चाहिए, आपके अगर कहीं मोहल्ले में होती है या कहीं होती, जाना चाहिए, सुनना चाहिए। अपने घर में आप सत्यनारायण भगवान की कथा करवानी चाहिए आपको, और कहीं शिव पुराण की कथा हो रही हो, कहीं श्रीमद् भागवत की कथा हो रही हो, आपको सुनना चाहिए।
आपके यहां कहीं श्री राम लीला हो, कृष्ण लीला हो, देखने जाएं। और यदि ना जा सकें तो ये जो मोबाइल आपके हाथ में है, आप इसमें सुन सकते हैं। अच्छे अच्छे वक्ता हैं श्रीमद् भागवत के, है ना। जैसे कि इस समय पूज्यपाद श्री राम भद्राचार्य जी महाराज, आप उनको सुनिए। श्री कृपालु जी महाराज को सुनिए। और हमारे एक पूज्य संत हैं श्री आसाराम बापू जी महाराज। लोग कहते हैं, लोगों पर मत जाइए, उनके खिलाफ षड्यंत्र हुआ है, आप उनको सुनिए। बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को सुनिए, अनिरुद्धाचार्य को सुनिए, नाम तो बहुत सारे हैं, जया कुसौरी और भी कई नाम हैं, लेकिन आपको उनकी कथा सुननी है जो ज्यादा गाजे बाजे के साथ ना हो। लोग कहते हैं सरस कथावाचक, ठीक है, कर्णप्रिय होती है, कानों को अच्छी लगती है, मन लगता है, सब कुछ है, लेकिन आप उन संतों की कथा सुनिए जैसे श्री राम भद्राचार्य जी हैं और भी हैं, जो कि वाद्य यंत्रों के अलावा भी उनकी वाणी में ओझ हो, उनके दैनिक जीवन में वो पालन करते हों उन नियमों का, ऐसे लोगों की कथा आपको अवश्य लाभ करेगी। आजकल हम देखते हैं कि जिस कथा में अच्छे वाद्य यंत्रों के साथ और बहुत सारी चिकनी चुपड़ी बातें और आधुनिकता का पुट दे दिए जो देने वाले कथा के वक्ता हैं, ऐसे लोग भक्ति भाव को, असली आध्यात्मिक अनुभूति को किनारे रख करके केवल लोगों का मनोरंजन करने के लिए आते हैं। तो इन कथाओं से आपको क्या लाभ होगा? और वो भी कथाएं मत सुनिए जिन कथा भगवान के अलावा किन्हीं का अपना एजेंडा चल रहा हो। अब श्रीमद् भागवत में या राम कथा में जो अली मौला और इस प्रकार की बातें करने लगते हैं, जो कि विवाद का कारण बनते हैं, तो ऐसे लोगों को फिर एक तरफ रखिए। आपको भगवान से मतलब है, आपको इन सब चीजों से क्या लेना देना। ये भगवान श्री राम की कथा, भगवान श्री कृष्ण की कथा, भगवान शिव की कथा, ये प्राचीन है। प्राचीन का अर्थ जीर्ण शीर्ण नहीं होता। प्राचीन का अर्थ हरगिज जीर्ण शीर्ण नहीं होता। ये सत्य है और सनातन है। हो सकता है कि मैं आपको समझा पाया हूं। यदि मैं आपको समझाने में समर्थ हुआ हूं तो आगे से आप ये सब चलता रहेगा, हमारे वीडियोज में भी ये चलता रहेगा, हम सब कुछ बताते रहेंगे, सब प्रकार की बात करते रहेंगे। परंतु आज मेरा मन हुआ कि जीवन में हमेशा केवल अपनी सुख समृद्धि के पीछे ही पड़ते रहना और सुख समृद्धि का जो कारण है अध्यात्म, उसको भुलाए रहना, और जो इस पृथ्वी के संचालक, पृथ्वी के मालिक, पृथ्वी के कर्ता धर्ता, बल्कि ब्रह्मांड नायक हैं, और हम उन परम श्रीहरि के चरणारविंदों की अगर हम शरण में नहीं गए तो क्या हुआ? जीवन व्यर्थ। जीवन को व्यर्थ नहीं करना है। भगवान श्री की, हमारी भगवान श्री जी की शरणागति लीजिए।
भगवान के किसी के रूप में आप में श्रद्धा हो, भगवान के किसी रूप को आप चाहते हों, पूजते हों, यथा कि त्रिदेवों में ब्रह्मा विष्णु महेश या भगवान जो विष्णु के अवतार हैं, दशा अवतार या 24 अवतारों में जो भी आपको पसंद हो, हनुमान जी महाराज, गणेश जी, है ना, माता रानी, जिस पर भी आपकी श्रद्धा हो, ये अलग अलग रूप उसी एक परमात्मा के हैं। उन्होंने लीला रचा करके इतने सारे रूप बनाए और सभी रूपों में वो समान रूप से विद्यमान हैं। तो इनमें भेदभाव न करके इन सब में ऐक्य है, इस बात को समझना चाहिए। अगर आप हनुमान जी का नाम लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो भी वो पूजा भगवान राम को प्राप्त होती है, वो पूजा शिव अवतार होने के कारण भगवान शिव को प्राप्त होती है। भगवान राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, तो एक प्रकार से आप शिव की ही पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान ने जब अर्जुन को अपना रूप दिखाया, विशाल अपना विराट स्वरूप दिखाया, उनमें जितने भी ये देवी देवता हैं सब उन्हीं में सन्निहित हैं। तो आप भेदभाव के चक्कर में ना पड़ के आप किसी स्वरूप की शरण लेंगे तो भगवान की शरण में होगा। हाँ, भगवान के बराबर देवता भी नहीं हो सकते, देवता से भगवान ऊंची श्रेणी के हैं। और फिर अन्य जो आपके इष्ट हो सकते हैं, जैसे कि और भी आजकल सब चल रहे हैं, है ना, देवताओं से इतर, तो फिर सावधान हो जाइए। देवताओं से इतर जिन योनियों की आप पूजा आराधना करेंगे, तो फिर आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो तो ईश्वर की और भगवान की या देवताओं की कोटि में ही नहीं आते। देवता तो फिर भी पूज्य हैं, देवताओं से निम्न श्रेणी के जो हैं उनकी पूजा अगर आप करते हैं, तो फिर स्वर्ग और मोक्ष की कल्पना तो आप छोड़ दीजिए। मैं नहीं कह सकता कि आपको मेरी बात अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, लेकिन सच कहने के लिए मैं कुख्यात रहा हूँ और आगे भी रहूँगा। तो जीवन में यदि वास्तव में सच्चा सुख चाहते हैं, तो आपको भगवान श्री की शरणागति लेनी ही है। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव और जय श्री राम।